लोग बड़े दुखी ने। और दूसरा जो बैंकों के इंडस्ट्रियलिस्टा ने लोन लेने बैंक वाले कहते साड़िया किस्तां दो साढ़े ब्याज दो। अज करोना ज्यादा शुरू होया मार्च तो उस दिन तो लैके अज तक व्यापारी परेशानी का सामना करना आ रहा। ट्रांसपोर्टेशन बंद होण करके ट्रेना बंद होण करके व्यापारी दे ना आण करके बहुत बड़ा जड़ा इंडस्ट्री नू लॉस होया। और रात दे कर्फ्यू दे कारण अज रेस्टोरेंट होटल मैरिजां जिन्नियां होणियां सी जिन्ने व्यापार सीगे रात दे शाम नू वह सारे अज खराब हो चुके ने। अशोक मक्कड़ प्रधान लुधियाना डाइंग एसोसीएशन ने किसानों के अंदोलन से कहा कि साडा अन्नदाता ठंड सड़कों पर बैठा है, उन्हां दी हमायत देश का हरेक वर्ग कर रहा है। पंजाब ही नहीं इस नाल देश की इंडस्ट्री से भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। सरकार नूं अपील की जाती है कि किसानों दी मंगां नूं जल्दी तो जल्दी मन के इंडस्ट्री नूं भी राहत। अशोक मक्कड़ प्रधान लुधियाना डाइंग इंडस्ट्री एसोसीएशन अज जो किसानों का अंदोलन देश भर में चल रहा है जिस करके बहुत वड्डी एक समस्या बनी हुई है और जो साडे अन्नदाता ने वो अज सड़कों के उत्ते बैठे ने और किन्नी ठंड हो गई रात नूं बच्चे परिवारों के नाल वो अपनियां मंगां मनाउण दी खातर जो कहिंदे तीन काले कानून सरकार ने बनाए ने वो वापस ले जाण उस दी खातर अज किसान जिहड़ा सड़कों के उत्ते बैठा है। बल्कि उन्हां दी सपोर्ट दी खातर उन्हां दी अमदाद करन दी खातर पूरे देश भर के लोग उन्होंने नाल लगे ने। जिस तरह भारत बंद किया गया दो दिन पहला और बहुत वड्डा सक्सैसफुल जड़ा उस दिन भारत बंद सी लोगों ने उन्हों का साथ दिता क्योंकि वो अन्नदाता ने लोगों अनाज जड़े वो देंदे ने। लेकिन सरकार दियां ना मीटिंगां होण करके सही ना पूर्ण सिरे चढ़न करके किसान अज उत्थे बैठा और काम वधदा जा रहा है जिस कारण पंजाब दी नहीं बल्कि हिंदुस्तान दी इंडस्ट्री ते बहुत वड्डा इस गल दा हो रहा है। क्योंकि लोग जिहड़े व्यापारी ने अज जिस तरह लुधियाने दे विच होजरी दा सीजन सीगा व्यापारी बाहरों आंदे जांदे माल आंदे जांदे ट्रांसपोर्टेशन बंद होण करके ट्रेना बंद होण करके व्यापारी दे ना आण करके बहुत वड्डा जिहड़ा इंडस्ट्री नूं लॉस होया। पहला करोना कारण सीगी करोना दा करके इंडस्ट्री बंद रही लेकिन हुण जिहड़ा दो महीने तो किसानों का अंदोलन आ गया जिस कारण इंडस्ट्री ते बहुत माड़ा असर पै रहा है और माड़ा असर होण करके इंडस्ट्री जिहड़ी बहुत पिछे चली गई है। और रात का दूसरा हुण कर्फ्यू भी पंजाब दे विच लगा होया रात नूं जिहड़ा जरूरी इंडस्ट्री नहीं इंडस्ट्री दे नाल नाल हर व्यापार जिहड़ा कोई भी व्यापारी है वह बड़ा परेशान है। सरकार नूं मंग करदे आ कि इन्हां दा मसला जिहड़ा किसानों का बैठ के जल्दी तो जल्दी हल किया गया जबकि दो तीन मीटिंगां भी हुई हैं लेकिन कम सिरे नहीं चढ़िया किसान अजे नहीं खुश है। सरकार नूं यही अपील करते हैं कि इन्हां दीआं मंगां जिहड़ियां सुन के वह जल्दी जिहड़ा प्रॉब्लम इन्हां दी सॉल्व की जाए ताकि जिहड़ा व्यापार पिछे गया वह पूरी तरह चल सके। और रात दे कर्फ्यू दे कारण अज रेस्टोरेंट होटल मैरिजां जिन्नियां होणियां सी जिन्ने व्यापार सीगे रात दे शाम नूं वह सारे अज खराब हो चुके ने और लोग बड़े दुखी ने। और दूसरा जो बैंकों के इंडस्ट्रियलिस्टा ने लोन लेने बैंक वाले कहिंदे साडियां किस्तां दिओ साढ़े ब्याज दिओ। अज करोना ज्यादा शुरू होया मार्च तो उस दिन तो लैके अज तक व्यापारी परेशानी का सामना करना आ रहा। ते सर जे गल करिए सर व्यापार दी ते सर व्यापार सर जिहड़ा आवाजाई सर जिहड़ा समान आंदा सी जांदा सी ते सर ओह बिल्कुल बंद है कि सर माड़ा मोटा किसान नहीं समान जिहड़ा बाहरों आंदा जांदा सीगा ट्रांसपोर्टेशन बंद होण करके बाहरों जिहड़े माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुंदे सीगे ओह भी बहुत ज़्यादा रुके पे ने। अज रॉ मटीरियल सी जिहड़ा ओह पहलां नालों 15 तो 20% तक अप हो गया रेट उन्हां दे हाई हो गए ने बहुत ज़्यादा। जिहड़े बाहरों भी माल आए दे सी कंटेनर पहलां ओह जिथे जिथे सीगा पोर्ट उत्थे आंदे सीगे लेकिन हुण बाहर दूर 500-400 किलोमीटर ते जांदे ने जित्थों दोबारा फिर किराया खर्च के उन्हां नूं अपनी जगह ते लिआया जांदा है। जिहड़ा अज चाइना तो इन्हां दा कंटेनर आंदा सी 40,000 रुपए लैंदा सी अज उस दा किराया 1.5 लाख रुपया हो चुका है। इस तरह सारे रॉ मटीरियल जिहड़े ओह तेज़ हो गए ने व्यापारी इस गल च बहुत परेशानी का सामना कर रहा है। और सरकार तो मंग करदे आ कि इहदा जल्दी तो जल्दी कोई एक किसान अंदोलन का हल करे ताकि जिहड़ा हैगा इंडस्ट्री जिहड़ी ओह तरक्की वल जाए। लुधियाना लाइव तो रमन की रिपोर्ट।